कारंजा शहर के समीप तहसील के सामने नागपुर अमरावती महामार्ग क्रमांक 6 के सर्विस रोड पर ट्रक की धड़क में सोयाबीन बेचने जा रहे किसान की मृत्यु। आज दोपहर 1 बजे करीब काटोल तहसील के खैरी गांव निवासी दिलीप गुलाब कुही के एक ट्रक की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। कारंजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिलीप खैरी गांव से सोयाबीन लेकर बोलेरो पिकअप क्रमांक MH40BG3324 में बैठकर कारंजा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन बेचने जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी कारंजा पहुंची और कारंजा शहर के सर्विस रोड पर स्थित स्पीड ब्रेकर पर बोलेरो पिकअप आते ही पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक GJ09Z1671 ने बोलेरो गाड़ी को पीछे से क्षति पहुंचाई। इसमें बोलेरो पिकअप में बैठे दिलीप सर्विस रोड पर गिर गए। गिरते ही ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हुई है। घटना कारंजा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। कारंजा पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन बीसीएन न्यूज के लिए कारंजा घाटगे से रुपेश मस्के की रिपोर्ट।